वेलकम गाइज इन हॉबीज टाइम। चलिए आज हम बनाते हैं चीला। चीला बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चावल आटा लिया, थोड़ा सा गेहूं आटा मिलाया है ताकि चीला हमारा सॉफ्ट बने। उसमें मैंने टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और जीरा डाला है, और फिर इसको पानी डाल के इसको अच्छे से हम चम्मच की सहायता से मिलाएंगे इसको इतने अच्छे तरीके से मिलाएंगे कि इसमें कोई गुठली न रहे, बबल्स न रहे। ये मेरा बैटर तैयार हो गया। फिर मैंने ये तवा चढ़ाया है गैस पे, गर्म होने पे मैंने इस पे तेल लगाया है। फिर मैंने कटोरी की सहायता से बैटर को चारों साइड घुमा लिया है। ये इसमें हल्का सा बबल्स आया होगा, आपको दिख रहा होगा। बबल्स आने पे हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसको दोनों साइड पे अच्छे से सेकेंगे। अब मैं टमाटर चटनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, ये तेल गर्म किया। तेल गर्म होने पे हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, लहसुन डालेंगे, ये दोनों भून जाएगा। तो फिर हम थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। फिर इसमें मैंने प्याज डाल दिया हुआ है, और मैंने टमाटर को कट करके पहले से मिक्सी जार में पीस लिया है, ये टमाटर की प्यूरी। अब ये प्याज देख रहे होंगे थोड़े से सुनहरे कलर में हो गया। अब ये टमाटर की जो मैंने प्यूरी तैयार की थी, मैंने इसको कढ़ाई में अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये टमाटर की चटनी और ये मेरा चीला तैयार। आप भी बना के देखिए, बहुत टेस्टी।